गंदगी से हैं लोग परेशान, पार्षद नहीं देते संज्ञान, नगर निगम बना हुआ है अनजान। जी हाँ दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं हूँ साजिद दिलबर, आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। मामला मेरठ के जाहिदपुर का है। जी हाँ, यहाँ के पार्षद का कहना है कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं आपका कार्य क्यों करूँ। जी हाँ, गाँव का एक कोना ऐसा है जहाँ पार्षद कहता है कि यहाँ के लोगों ने मुझे वोट नहीं किया तो मैं यहाँ का विकास क्यों कराऊँ। यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के वासियों का कहना है, जाहिदपुर के लोगों का कहना यही है। और ये पार्षद से काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी इनका काम नहीं हो पाता है और गंदगी वगैरह, दादी खर्चे वगैरह जो भी कुछ कार्य होता है, कुछ भी इनका कार्य नहीं हो पाता है, इनका कहना है। ये गांव जाहिदपुर वार्ड नंबर 36 खरकोदा क्षेत्र में आता है। यहाँ के पार्षद हैं शौकत अली। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, आइए जानते हैं इनके लोगों की राय की जुबान से ही। यहाँ गली में जो पानी भरा हुआ है, इसकी समस्या का जो समाधान है वो खड़ंजा ऊंचे होने का नहीं है। इस समस्या का समाधान जो होगा वो तालाब की जब सफाई होगी, जब जाके इस समस्या का समाधान हो पाएगा। हम ये चाहते हैं गाँववासी सभी कि यहाँ का जो तालाब का पानी भरा हुआ है, तालाब के पानी जब निकल पाएगा, जब यहाँ से सफाई हो पाएगी, उसकी सफाई हो तालाब के पानी की और उसका पानी का निस्तारण हो। आपका वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड हमारा 36 है। वार्ड 36 जी। तो आप वार्ड 36 के सभासद से आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? कई बार कह चुके, कई बार लिख के भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। अच्छा। नगर आयुक्त साहब को भी लिख के दिया हमने कई बार, एक साल से लगातार हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम ये चाह रहे हैं जी कि तालाब की सफाई हो और तालाब का जो पानी है उसका कहीं भी निकासी की जाए, जिससे कि यहाँ पानी ना भर सके।